नमस्कार मित्रों, पुनीस एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 मार्च को बुध का गोचर मीन राशि में होगा। मीन बुध की नीचस्थ राशि है। बुध यहाँ पे डेबिलिटेटेड कहलाएंगे और यहाँ पे बुध को सूर्य की उपस्थिति मिलती है। 8 अप्रैल तक बुध का गोचर मीन राशि में होगा, तत्पश्चात बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 24 मार्च से लेके 8 अप्रैल का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में छोटा ड्यूरेशन है, लेकिन यहाँ पे बुध बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे आपको समझना होगा बुध के स्थान के स्वामी के की पोजीशन के बारे में। बुध जिस राशि में उपस्थित हैं वो राशि है मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी हैं बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ हैं? बुध से द्वादश हैं। वो बुध के सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हैं, द्वादश भाव में, कुंभ राशि में। नक्षत्र कौन सा है? पूर्व भाद्रपदा। बुध जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वो पूर्व भाद्रपद के आखिरी चरण में प्रवेश करेंगे, तत्पश्चात वो उत्तरा भाद्रपद की ऊर्जा में सम्मिलित हो जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद एक फिलोसॉफिकल नक्षत्र है। इस नक्षत्र में मैथमेटिकल कैलकुलेशन कम और इमेजिनरी सॉल्यूशंस, विचार विमर्श, फिलोसॉफी, अध्ययन, इसकी थीम बहुत डोमिनेट करती है। मीन राशि में बुध जो है वो एक ऐसे स्थान पे चले जाते हैं जहाँ पे एनालिसिस नहीं होता, जहाँ पे डेटा नहीं है, अनुसंधान नहीं है, लेकिन यहाँ पे विचार विमर्श है, यहाँ पे ज्ञान विज्ञान है, यहाँ पे थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं, यहाँ पे फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है। बुध की नीचस्थ अवस्था को हमें बहुत अलग ढंग से देखना पड़ता है, क्योंकि बुध मोस्टली सन के बहुत ही समीप होते हैं, सूर्य के समीप होते हैं, जिसकी वजह से इनका अस्त होना लगभग हर बार देखा गया है। और यहाँ पे भी बुध जो है वो अस्त हैं, यानी कि बुध जिस स्थान में बैठे हैं उस स्थान के स्वामी का 12वें भाव में होना और बुध से छठे भाव के स्वामी का बुध के साथ होना, यानी सूर्य की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मीन राशि से छठे जाएंगे तो आपको सिंह राशि मिलेगी। सिंह राशि के स्वामी सूर्य बुध के साथ उपस्थित हैं और ये नीचस्थ बुध में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, क्योंकि ये तो अस्त कर दे रहे हैं इस बुध को। यानी ये ऐसा टाइम है जब आप एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी दुनिया के बजाय भीतर की दुनिया में प्रवेश करें और अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में जा करके आप ये निरीक्षण करें, एक आत्मनिरीक्षण करें, क्या सही है क्या गलत, अपने बारे में पहचानने की, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। ये जो आपका प्रयास होगा अपने सामर्थ्य को पहचानने का, अपनी शक्तियों को पहचानने का, अपने आप से समीप आने का, एक आत्मनिरीक्षण करने का, ये एक अवसर बुध हमें प्रदान करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो दे रहे हैं वो बृहस्पति देव दे रहे हैं। बुध के द्वादश बृहस्पति का मतलब है कि अगर ज्ञान की प्राप्ति करना है, अगर किसी बात को समझना है, तो बहुत ही डेप्थ में जाना पड़ेगा और आपको बोल्डली, आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। फाइनेंशियली अगर बात करें तो शायद आपको फाइनेंशियली इन कुछ दिनों में दिक्कतें आ सकती हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपको साल भर की प्लानिंग अगर करनी है तो सारी प्लानिंग के लिए ये उचित समय है। इस वक्त आप बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस, अपने कार्य क्षेत्र के लूप होल्स को पहचान सकते हैं, जो गैप्स हैं उसे पहचान सकते हैं। और ये नहीं कह रहा कि इस वक्त फिल हो जाएंगे, पर अगर वो सामने आ जाए, वो अगर आपके इन्फॉर्मेशन में आ जाए, तो शायद आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसे कैसे ठीक करना है। सूर्य सिक्स्थ लॉर्ड होने के कारण बुधादित्य योग बनाते हैं मीन राशि में, और ये बुधादित्य योग अपने आप में एक आत्मज्ञान और आत्मविज्ञान का प्रयोग करता है। यानी आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा अपनी ही लाइफ में कि किस तरीके से आप अपने आप को मुसीबत से निकाल सकते हैं। बुध है और सूर्य है यहाँ पे, तो नारायण की उपासना करनी यहाँ पे आपके लिए अति लाभकारी होगी। बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और हर वक्त हो सके तो डेली 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।
इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। बुध का नीचस्थ होना यानी मिथुन राशि और स्पेशली कन्या राशि का वीक पड़ना होता है, यानी कि आपकी कुंडली में जहां जहां मिथुन और कन्या राशि होगी वहां वहां से आपको दिक्कत आ सकती है। एक अनकंफर्टेबल एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां पे आप भावनात्मक समस्याओं में फंस जाएं और शायद ये समझ में ना आ पाए कि यहाँ पे इमोशंस लगाना सही है या दिमाग लगाना सही है। कहते हैं ना कि दिल और दिमाग के बीच में व्यक्ति फंस जाता है। ऐसे केस में अपने अंतर्मन की ओर देखें और बृहस्पति के ज्ञान और अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को डील करने की कोशिश करें। 24 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल के बीच में मंगल एग्जॉल्ट रहेंगे, एग्जॉल्टेड हाउस में ऑलरेडी हैं और वो 28 डिग्री की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। 5 अप्रैल को मंगल 28 डिग्री प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ पे शनि भी 28 डिग्री में ही उपस्थित होंगे, यानी कि बुध से एकादश भाव में ये सब हो रहा है। और एकादश भाव क्या है? लाभ स्थान। तो यहाँ पे आपके द्वारा लाभ प्राप्ति के लिए किया गया कोई भी कदम आपको बहुत सोच समझ करके रखना है, चाहे वो करियर का चेंज हो, चाहे बिजनेस डेवलपमेंट हो, चाहे नए प्रोडक्ट का लॉन्च हो या कोई भी नई इन्वेस्टमेंट हो, छोटी हो या बड़ी। नीच के बुध पे, अस्त के बुध पे यहाँ पे पूरी तरह से निर्भर होना सही समय नहीं होगा। यहाँ पे आपको अपने चित्त को एकाग्र करके पूर्णतया अपने ध्यान को एकत्रित करके आपको सही दिशा सही निर्णय लेना पड़ेगा और हो सके तो गुरु की सहायता भी आपको प्राप्त करनी पड़ सकती है। किसी मेंटर, किसी हीलर, किसी एस्ट्रोलॉजर की आवश्यकता आपको पड़ सकती है और अगर किसी भी स्टेट में आप कंफ्यूज्ड हो तो थोड़ा रुक जाएं। यहाँ पे मंगल और शनि की जो ऊर्जा है वो माइंड को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकती है, तो यहाँ पे ये भी बात का ध्यान आपको रखना है कि अहंकार में आकर के कोई निर्णय न लें और किसी भी तरीके का वाद विवाद न हो इसका ध्यान रखें और ईगो सेंट्रिक चीज़ों से बचें। डिप्लोमेटिक उपाय दें और अगर आपको लग रहा है कि शायद आपके उत्तर देने से या आपके व्यवहार के कारण चीज़ें बिगड़ सकती हैं तो उस समय उस स्थिति से दूर रहना श्रेयस्कर रहेगा, उस समय उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। स्टूडेंट के लिए माँ सरस्वती की वंदना आवश्यक है। यहाँ पे सरस्वती वंदना करने से आपके विचारों में स्वच्छता आएगी, आपके विचारों में सात्विक भाव आएगा और पढ़ाई में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। मैरिज की अगर बात करें तो जो व्यक्ति कन्या मिथुन राशि वाले जातक हैं, मीन राशि वाले जातक हैं और धनु राशि वाले जातक हैं, उन्हें ओवरऑल लाइफ में एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आएगी और मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हैं, सॉल्व हो सकता है। बस अहंकार ना आने दें और अपने ऊपर आत्मविश्वास तो रखें लेकिन अति विश्वास नकारात्मक सिद्ध हो सकता है, इसका ध्यान आवश्यक है। अगर आप नारायण की उपासना करते हैं, भगवान श्री गणेश की उपासना करें, बुधवार के दिन व्रत रखें और गरीबों को बुधवार के दिन भोजन कराएं, प्रकृति के नियमों का पालन करें और प्रकृति के समीप जा कर के उसका आनंद लें। बुध यहाँ पे समुद्र के समान है, यहाँ पे एक ऐसी ऊर्जा है जो स्वतः ही चित्त मानो जो कॉन्शियसनेस है वो फ्लोट कर रही है, तो ये टाइम तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का है, इस टाइम को यूज़ करें। छोटी ट्रांजिट है, 2 हफ्ते की ट्रांजिट है, बस खाली आपको ये ध्यान रखना है कि विचारों के दौरान कलुषता ना आए, तामसिक विचार ना आए, इसका ध्यान रखें। मांस मदिरा का सेवन न करें और अगर संभव है तो तामसिक भोजन जो वेजिटेरियन फूड में भी होता है जैसे लहसुन और प्याज, उसका सेवन भी कम से कम करें, मेडिसिन के रूप में करें, भोजन के रूप में ना करें। सात्विक आचरण से, ये बुध सात्विक राशि में है और सात्विक प्रभाव ही देंगे, धन का भी लाभ होगा अगर ध्यानपूर्वक इन्वेस्टमेंट या बिजनेस किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा एक उखड़ा सा थॉट प्रोसेस रहेगा, कनेक्टेड फील नहीं करेंगे, तो यहाँ पे डेस्परेट अटेम्प्ट करना, किसी पे अपना अपने पावर को दिखाना या डोमिनेट करना सही निर्णय नहीं होगा। ओवरऑल ये बुध का गोचर सबके लिए अति लाभकारी है, इसका पर्याप्त आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान नारायण की उपासना करें और नारायण हम सब पे कृपा बनाएंगे। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे बहुत सारे वीडियोस में, अगले वीडियो में
आप मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलेगी नोटिफिकेशंस। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कू ऐप में मैं स्पेशल हिंदी वीडियोस लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ, श्रृंखला आएगी, तो आप कू ऐप में भी मुझसे जुड़ें। वहाँ पर मैं बहुत सारे शॉर्ट वीडियो क्लिप्स अपलोड करूँगा जल्द ही। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले बहुत सारे वीडियो में। मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।